This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. पाकिस्तान तो खुद ही आतंकवाद का पनाहगार रहा है, लेकिन उसने अफगानिस्तान में भी आतंकवाद के प्रसार में काफी भूमिका निभाई। अफगानिस्तान में तालिबान को मजबूती मिलने के पीछे की बजाय हमेशा ही पाकिस्तान में मिलने वाली मदद रही। इस बात की पुष्टि अब एक अमेरिकी सांसद ने भी की। सीनेट आर्म सर्विस कमेटी के अध्यक्ष जैक रीड ने कहा, अफगानिस्तान में तालिबान की जड़ें जमाने के पीछे वजह पाकिस्तान में मौजूद उसकी पनाहगाहें हैं। अमेरिकी सांसद ने यह बात तब कही जब वाशिंगटन ने युद्धग्रस्त देश में 11 सितंबर तक अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने की योजना की घोषणा की। दरअसल पाकिस्तान की इस सच्चाई को उजागर करने वाले अमेरिकी सांसद का नाम जैक रीड है, जिनका यह दावा है कि तालिबान के सफल होने में बहुत बड़ा योगदान इस तथ्य का है कि तालिबान को पाकिस्तान में मिल रही पनाहगार को खत्म करने में अमेरिका विफल रहा। उनका यह भी कहना है कि आईएसआई जैसे संगठनों के जरिए वहां की सरकार से समर्थन मिलना तालिबान के युद्ध को जारी रखने के लिए आवश्यक है और इस पनाहगाहों को नष्ट न कर पाना अमेरिका की सबसे बड़ी विफलता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आईएसआई ने अफसरों का फायदा उठाने के लिए अमेरिका के साथ सहयोग करते हुए भी तालिबान की मदद की। रीड ने कहा कि 2018 के आकलन के अनुसार पाकिस्तान ने प्रत्यक्ष सैन्य और खुफिया सहयोग प्रदान किया। इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिकी सैनिक, अफगान सुरक्षा बल के जवान और आम नागरिक मारे गए, साथ ही अफगानिस्तान में बहुत तबाही भी हुई। अमेरिकी सांसद ने जहां एक तरफ अफगानिस्तान में आतंकवाद के प्रसार पर पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी को घेरा, तो वहीं उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे पड़ोसी देश भारत से लंबे समय से संघर्ष चल रहा है और भारत भी परमाणु हथियारों से संपन्न देश है। सीनेटर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत लंबे समय से दक्षिण एशिया में संघर्ष में शामिल है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिका और उसके गठबंधन सहयोगियों के सैनिकों की वापसी के फैसले के पीछे एक वजह यह है कि वे अफगानी सरकार का गठन नहीं करा सके जो जनता का विश्वास हासिल कर सके और शहरों से परे जाकर सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा न्याय समेत बुनियादी सेवाएं प्रदान कर सके। खैर, पाकिस्तान के ऊपर आतंकवाद का पनाहगार होने का इल्जाम कोई नया नहीं है और ये बात दुनिया में किसी भी देश से छिपी नहीं है। आतंकवाद और आतंकियों के लिए पाकिस्तान सबसे सुरक्षित जगह है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।